महाराष्ट्र का मिनी महाबलेश्वर है दोपाली। यहाँ की गुफाएं, मंदिर और खूबसूरत बीचों को देखो जाएंगे आकर्षित। महाराष्ट्र का मिनी महाबलेश्वर कहा जाने वाले दोपाली में आपको मंदिरों और खूबसूरत बीचों का नज़ारा देखने को मिलेगा। यह एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ पर पूरे साल मौसम ठंडा रहता है। यहाँ पर कई किले, गुफाएं और मंदिर भी हैं। यहाँ का शांति भरा वातावरण सुकून देता है। यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जगह बहुत अच्छी हो सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ पर बप्पा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कादिवार्षा गणपति कहा जाता है। ये मंदिर दोपाली के औजारले गाँव में बना हुआ है। इस मंदिर में दाई ओर सोनके गणेश जी विराजते हैं। यह मंदिर खड़ी चट्टान पर बना है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये मंदिर काफी विशाल और प्राचीन है। यहाँ से आप नारियल के घने बागानों की खूबसूरती, सुवर्ण दुर्ग किला और अरब सागर के नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड झरना बहता है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए अलग अलग स्थान भी बनाए गए हैं। यहाँ पर बहने वाले पानी में गंधक की महक आती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर नहाने से कई चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर पास में ही पहाड़ी पर शिव मंदिर बना हुआ है। यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र की खूबसूरती देखते ही बनती है। दापोली दाभोल रोड पर पन्हालेका जी जगह है जहाँ पर खूबसूरत गुफाएं हैं। आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर गुफाओं के साथ आसपास देखने लायक कई मूर्तियाँ बनी हुआ है। यहाँ पर आप जंगल, नदी और वन्य प्राणियों को भी देख सकते हैं। यहाँ का दृश्य मन को मोह लेने वाला है। यहाँ पर हरनाई में कनका दुर्ग और सुवर्ण दुर्ग नामक दो किले हैं। यह जगह दोपाली से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। यहाँ पर सबसे पुराना लाइट हाउस हरनाई लैंप पोस्ट है जहाँ से खड़े होकर बीच चौर समुद्र में जहाजों का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।